हाय, आई एम पवन। वेलकम टू आवर TMK टेक फैमिली। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। सबसे पहले न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहली न्यूज Xiaomi के सब ब्रांड पोको की तरफ से आ रही है। पोको ने अपने नए स्मार्टफोन पोको C31 को आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। पोको के इस नए स्मार्टफोन में 6.53 इंच HD+ डिस्प्ले है। यह मीडिया टेक हीलियो G35 चिपसेट के साथ आता है। इसमें 5000 mAh बड़ी बैटरी है जो 10 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। पोको के इस नए स्मार्टफोन पोको C31 के 3GB प्लस 32GB वेरिएंट का दाम है 7,999 रुपये। दूसरी न्यूज मोटरोला की तरफ से आ रही है। मोटरोला ने अपने नए टैब मोटो टैब G20 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। मोटरोला के इस नए टैब में 8 इंच डिस्प्ले दिया गया है। यह 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है जो 10 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके 3GB प्लस 32GB वेरिएंट का दाम 10,999 रुपये रखा गया है। मोटरोला का यह नया टैब कैसे दिखता है, इसे मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तीसरी न्यूज गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल के आने वाले नए स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 6 और गूगल पिक्सल 6 प्रो का लॉन्च डेट निकलकर सामने आ गया है। गूगल पिक्सल के इस नए फोन गूगल पिक्सल 6 और गूगल पिक्सल 6 प्रो का प्री ऑर्डर्स 19 अक्टूबर से शुरू होगा। यह मार्केट में 28 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। पिक्सल 6 सीरीज का रेंडर्स मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। न्यूज की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज IQ की तरफ से आ रहा है। IQ के आने वाले नए स्मार्टफोन टीना सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो चुका है। इस नए आने वाले स्मार्टफोन में 6.56 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा। 4500 mAh की बड़ी बैटरी होगी जो 120 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। यह MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट के साथ आएगा। पांचवी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। पांचवी न्यूज Realme की ओर से आ रही है। Realme के आने वाले नए स्मार्टफोन टीना सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो चुका है। इस आने वाले नए स्मार्टफोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी होगी जो 50 या 65 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। यह स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टेक न्यूज यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।